उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के युवा सेना विधानसभा उपचुनाव व डिवाइन ट्रस्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रथमेश पाटिल ने अपना जन्मदिन बड़े ही सादगी के साथ स्थानीय जनता के बीच शक्कर बांट के किया, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ और साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कई नेता व पदाधिकारी प्रथमेश को बधाई देने पहुंचे। वहीं महिला उप शाखा संघ टीका व सहकार सेना महिला उप विभाग संघ टीका मिनाली पाटिल अपने बेटे को खूब सारा आशीर्वाद दिया ताकि वो लोगों का काम करते रहे। आमंत्रण आम्हाला प्रथमेशच्या बर्थडेसाठी केलं आहे आणि त्यासाठी आम्ही उपस्थित आहोत। मिनालीचं आणि प्रथमेशचं कार्य या विभागात अंधेरी मार्केट काय आणि पूर्ण एवढ्या ते दोघं जण इतके म्हणजे दयाळू प्रवृत्तीचे आणि दानशूर प्रवृत्तीचे आहेत की मी त्यांचे अनेक कार्यक्रम अटेंड केले आणि त्यात मी त्यांना बघितलंय की कधीही स्वतःचं नाव गाजवायचं नाही पण अगदी घराघरात गरिबांच्या आपल्या हातून काहीतरी दोन दाणे मिळावे गरिबाला जे की त्यांच्या कामाशील अशा वस्तूचं ते नेहमी दान करत असतात। आज त्याला माझ्याकडून वाढदिवसाचे खूप खूप आशीर्वाद। शिवसेनेचे हाडाचे कार्यकर्ते प्रथमेशजी पाटील यांचा आज वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसा निमित्त त्यांनी विभागातील लोकांना मोफत साखर वाटप केलेली आहे। खरोखर हा उपक्रम खूप चांगला आहे आणि मोठा आहे। साखर वाटणे पूर्वी राजे लोक साखर वाटायचे हत्तीवरून, आज प्रथमेश पाटीलने साखर वाटली म्हणजे हाय उद्याचा नगरसेवक असू शकतो, त्यामुळे माझ्याकडून त्याला वाढदिवसा सोबतच नगरसेवकाचे शुभेच्छा आहेत। धन्यवाद। प्रथमेश क्या कहना चाहेंगे, लोगों का काफी साथ मिल रहा है और खास करके आज आपके जन्मदिन पर काफी भीड़ भी देखने मिली, क्या कहना चाहेंगे? लोग केक काट के जन्मदिन मनाते हैं, आप शक्कर बांट के जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसी किसी का दिल नहीं जीत सकते, दिल जीतने के लिए उनके दिल तक पहुंचना चाहिए। तो उनके दिल तक कैसे पहुंचोगे? उनके पर्सनल रिलेटेड कुछ काम रहेंगे या उनके घर के कुछ किसी के आपने ऐसे कुछ काम किए होंगे जो आपको वो आप उम्र भर आपको भूल नहीं सकते हैं। ऐसे सब काम करेंगे तो ज़िंदगी भर आपको लोग कभी नहीं भूलेंगे। खाली नाम के लिए कुछ दिखावे के लिए अगर कुछ लोग करेंगे कि अरे मैंने ऐसा किया ये किया वैसा किया, तो लोगों का आज का ज़माना ऐसा है कि लोगों को पता चल जाता है कि कोई फ्लॉन्ट कर रहा है चीज़ें या बड़ा छिड़ा के सब चीज़ कर रहा है, लेकिन हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो लोगों के दिल तक पहुँचने वाली चीज़ें, इसके लिए आज लोग भी हमें दिल से याद करते हैं और हमारे दिल से दिल छूने वाली ऐसी सारी कुछ प्रोग्राम्स रहेंगे तो हमारे हर घर के प्रोग्राम्स में वो उनका इंटरफेरेंस हमेशा रहेगा। प्रथमेश हमेशा देखा गया लॉकडाउन के बाद आप हमेशा, अब लोग चाहे दिवाली हो या क्रिसमस हो या हम कहें ईद हो, उसमें लोगों के बीच आप पहुंचते हैं और ख़ास करके उनके यहाँ पे हर चीज़ हर त्यौहार अच्छे से मनाया जाए इसका पूरा ख्याल रखते हैं। देखिए ये
आज हम जिनके साथ में रहते हैं, जिन लोगों में रहते हैं, आज हम अगर बड़े बन रहे हैं तो हम हमारी काम की वजह से नहीं, वो लोग हमें बड़ा बना रहे हैं। आज हम उनके लिए जो काम कर रहे हैं, उनका जो प्यार है, वो हमारा इतना जो ख्याल रखते हैं, हम हमारा जो इतना रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी वजह से हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। रहा सब फेस्टिवल्स का काम, आज हम उनको सिर्फ एक मामूली इंसान के इसमें नहीं देखते, उनको हम हमारा फैमिली मेम्बर हैं। तो इस फैमिली मेम्बर के नाते हर एक प्रोग्राम में उनके घर पे जाना, फेस्टिवल्स में अटेंड करना, वो एक हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वो अभी नहीं, वो आगे हम लाइफ टाइम वो करते ही रहने वाले, क्योंकि फैमिली मेम्बर को भुला नहीं जाता। प्रथमेश, आपको हमेशा महिलाओं के बीच घिरा हुआ देखा जाता, आज भी कुछ ऐसे ही माहौल देखने मिला? कभी कभी होते हैं कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं कि जैसे महिला बोलते हैं हम देवी बोलते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझ पर देवी का ज़्यादा सपोर्ट है, जैसे माँ दुर्गा रहेगी, सरस्वती जी रहेगी। प्रथमेश को क्या विशेष देना चाहेंगे जन्मदिन को लेकर? मैं ये दुआ करूँगी कि हमेशा मेरा बेटा अच्छा काम करे, लोगों की अच्छा सेवा करे, अच्छे जो अपनी जिसको ज़रूरत पड़े वहाँ पे मेरी बेटा वहाँ पे तक पहुँचे और सबकी सेवा करे, ये मेरी उसकी भी दुआ है। आप दोनों के लिए लोग चाह रहे हैं कि एक कोई ना कोई नगर सेवक बने या यहाँ पर जो है जनता की सेवा करे, तो इस चीज़ को कैसे देखते हो आप? यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं बनूँ या मेरा बेटा बने, जो भी बनेगा हमको उससे कोई ये नहीं, अगर जो भी होगा वो विशेष अवॉर्ड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम गरीबों की सेवा करेंगे, हम उन तक पहुँचेंगे, उनके जो भी काम है मनोकामना है हम उनकी पूरी करें, ये हम कोशिश करेंगे दिल और जान से। शिवसेना से जुड़े हुए काफ़ी पदाधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी आशीर्वाद दिया है और उनके लिए विशेष किए हैं। यस, क्योंकि उन लोग की हमेशा उनकी दुआएं हमारे साथ है, उनकी हम प्रोत्साहन हमको और मोटिवेशन करते हैं कि हम अच्छे और काम करें, लोगों की सेवा कैसे करें। हमको मार्गदर्शन करने वाले भी यही सभी हमारे जो ताइया हैं, संजय कदम सर है, सुनीता भैया जी है, और सबसे बड़े तो हमारे बुडो बाड़ा साहब ठाकुर जी है, उनका आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से हम ये सब कुछ करते हैं और ये हमको प्रोत्साहन मिलता है।